Good afternoon, everybody. Now, page number of your textbook 250, 250 आपकी टेक्सटबुक का पेज नंबर है. उसपे एस्टेब्लिशिंग ए न्यू डेमोक्रेसी एडी 1949 टू 65. न्यू डेमोक्रेसी, ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? नया लोकतंत्र, इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे. तो नाउ लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बीइंग टॉट. टुमारो यू आर टू कम टू स्कूल, मतलब स्कूल आना है, देन ठीक है, बात कर अच्छा सर. अब समझने की कोशिश की जाए, एट द टाइम ऑफ द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, देखिए जब कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुई, क्रांति हुई, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चाइना वॉज मोर डेपोरेबल. चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी, डेवलप बहुत ही पुअर थी, यू माइट से. द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कृषि और उद्योग दोनों का जो उत्पादन था वाज वेरी लो, वो बहुत कम था. चाइना वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इस पीरियड में चाइना दुनिया का सबसे गरीब कंट्री गिना जाता था. सोन आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, अब कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, कम्युनिस्ट लोगों की जब क्रांति खत्म हुई, ठीक है, आपको बताया ना, कम्युनिस्ट पार्टी से बिफोर चियांग काईशेक की गवर्नमेंट थी, जो किसकी पपेट थी, किसकी कठपुतली थी, वो यूएसए की और ब्रिटेन की, और अपने कंट्री मैन की बात नहीं करते थे ये लोग, है ना. इस तरह से कुछ तो ये रिवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने रिवोल्यूशन किया. द गवर्नमेंट डिवोटेड इट्स अटेंशन, सरकार ने पूरा अपना ध्यान द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री, इस पर दिया. किसने? गवर्नमेंट ने, क्रांति के बाद. यहाँ चाइना की इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशन, उसको कैसे ठीक किया जाए. द गवर्नमेंट टुक मेजर्स, सरकार ने कदम उठाया फॉर लैंड रिफॉर्म. सबसे पहले लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार आंदोलन शुरू किया, भूमि सुधार एंड प्रमोशन ऑफ द एग्रीकल्चर, और खेती को बढ़ावा दिया. लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर. द ट्रेडिशनल फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड. इस क्रांति के बाद जो सामंतवाद फ्यूडल सिस्टम था वो एबोलिश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया. नई गवर्नमेंट, नई पॉलिसीज, नए प्रोग्राम्स. तो द ट्रेडिशनल फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड. द लैंडलॉर्ड्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स, है ना. जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उनकी ज़मीनें कॉन्फिस्केट कर ली गई. कॉन्फिस्केट का मतलब उनसे जब्त कर ली गई और उनको रिलीज, उनको बांट दिया गया, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एमंग द एक्चुअल कल्टिवेटर्स. एक्चुअल का मतलब डिजर्विंग फार्मर्स, वो फार्मर को छोटे किसान जिनके पास ज़मीनें कम थी, तो उन्होंने बड़े किसानों से ज़मीनें लेकर छोटे किसानों में डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब इक्वलिटी, समानता लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया. ये कंडीशन थी सर्कमस्टांसेस इस पीरियड में, क्रांति के बाद ये चीज़ नई गवर्नमेंट ने की. इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मिलियंस ऑफ एक्चुअल कल्टिवेटर्स, ये लाखों किसानों में जमीन बड़े आदमियों से लेकर लैंड रोड से लेकर इन लोगों में बढ़ती गई. द लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट आंदोलन चला, ये कंटिन्यू और ये रहा 1950 से लेकर 52, मतलब करीब 2-3 साल तक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट चलता रहा. इसमें जमीनों को, लैंड को कॉन्फिस्केट किया गया और गरीबों के अंदर एक्चुअल फार्मर्स में बांटा गया. इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, इसके बाद एक फेज और आया, एक दौर और आया लैंड रिफॉर्म्स का, है ना. कलेक्टिव फार्मिंग वॉज इंट्रोड्यूस, आपने सुना था कलेक्टिव, सामूहिक फार्म, इसको कहा जाता है कॉम्यून सिस्टम, है ना. गवर्नमेंट ने उनको 70 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन दे दी कि भाई इस पर पूरे साल अराउंड द ईयर आप अपने अपने अकॉर्डिंग खेती करो और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी हालत को मजबूत करो, ठीक है. ये हम इसमें देखना फिर वॉज इंट्रोड्यूस. द फार्मर्स कंटिन्यू टू बी द ऑनर्स ऑफ देयर लैंड्स, बट दे कलेक्टिवली टिल्ड द लैंड एंड हार्वेस्टेड द क्रॉप.
किस तरह से जो किसान थे उनको कह दिया गया भाई ये जमीन है और अपने अपने अकॉर्डिंग अपने इकोनॉमिक कंडीशन आपको खुद मजबूत करना है और इसको आपस में शेयर करके ही जमीन को अपनी अपनी क्रॉप इसमें से ले लेना है। ये सरकार ने उनको ठीक है दे यूज एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ये यूज करते थे एग्रीकल्चर में काम आने वाले इक्विपमेंट्स है ना, एंड लाइव स्टॉक इन कॉमन मतलब खेती में काम आने वाले हल है पुली है हल बीज होता है बैल है या घोड़े हैं जो खेती है ना ये कॉमन ही यूज करते थे सब लोग। और लाइव स्टॉक ऐसे ही लाइव स्टॉक क्या होता है भेड़ बकरियाँ गाय भैंस के लाइव स्टॉक क्या होता है ये भी कॉमन होता था। ये सब क्यों किया ताकि सब अपने अपने किसी को कोई कंप्लेंट ना रहे ग्रीवेंस ना रहे और वो अपनी अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लें डेवलप कर लें। इसके बाद इन 1958 तक का वर्क ऑफ कलेक्टिविजेशन है ना द वर्क ऑफ कलेक्टिविजेशन वॉज कम्प्लीटेड। इस तरह से ये काम पूरा हुआ जो लैंड रिफॉर्म्स का काम था वो गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश पीपल्स कम्यून फिर गवर्नमेंट ने पीपल्स कम्यून का मतलब वही यानी सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ बीघा जमीन गवर्नमेंट ने पब्लिक को दे दी और कहा कि तुम अपने अपने अकॉर्डिंग क्रॉप का रोटेशन कर लो और पूरे साल और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो। ये उन्होंने बात कही पीपल्स कम्यून फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेजेस गांव के जो विलेजेस हैं है ना वहाँ के गांवों में टाउन्स में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कम्यून सिस्टम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आता है कम्यून सिस्टम। अभी कह रहा है कम्यून मीन्स क्या होता है जैसे कि मैंने आपको भी बताया कम्यून मीन्स द राइट ऑफ द पीपल टू मैनेज देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज themselves अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को संभालने के लिए उनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको जमीन दे दी कि आप सब कलेक्टिविटीज को यूज करो और इसके बेनिफिट्स इंडिविजुअली आप गेन करें। चाइना आल्सो एस्टेब्लिश्ड हैवी चाइना ने इस पीरियड में हैवी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी एस्टेब्लिश करी। इट नेशनलाइज बैंक्स इसने बैंकों को 1950 के बाद से इसने क्या कर दिया बैंकों को नेशनलाइज कर दिया उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इम्पोज लिमिटेड कंट्रोल ओवर द फॉरेन इंडस्ट्री फॉरेन जो इंडस्ट्रीज थी उन पर कंट्रोल किया गया यानी उनका एंड ऑपरेशन लाइक द सोवियत यूनियन चाइना सोवियत यूनियन की तरह चाइना ने भी स्टार्टेड बाई 5 साल प्रोग्राम कितना पंचवर्षीय योजना सोवियत यूएसएसआर की तरह चाइना ने भी शुरू की फॉर द इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री ताकि कंट्री का जो इकोनॉमिक लेवल है उसको हाई किया जाए। इट एस्टेब्लिश इसके लिए इसने 141 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए रिटायर हुआ था सोवियत और इसकी मदद सोवियत यूनियन ने यूनियन ने 1951 में चाइना की कर और 141 इंडस्ट्रीज यूनिट्स तैयार किए गए चाइना में। इनमें 1990 में तक गवर्नमेंट फिक्स्ड 8 आवर्स गवर्नमेंट ने 1990 आते आते तक काम के जो आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स कर दिए कितने किए ये 8 घंटे काम है ना और 5 डेज यूनिट है ना वीक में 5 डेज काम करेंगे और 8 आवर्स काम करेंगे इसके लिए वर्कर्स के लिए तो ये टाइम फिक्स हो गया। इसके बाद द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन अक्टूबर 1949 वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यू डेमोक्रेसी। ये तो जो आपने सुने हैं ये कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस थे चाइना के क्रांति के आराम जब क्रांति में वहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ। अब ये कहते हैं द कम्युनिस्ट ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पर इसने 1949 में एक न्यू डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की। ये क्या थी एन अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस जितनी भी चाइना में सामाजिक वर्ग थे
उन सब का गठबंधन है, उन सबको इन्होंने एक किया। स्पेशली जो वर्किंग क्लास थी, जो लेबर क्लास थी, सभी तरह के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे किया इन्होंने, और उससे इन्होंने एक इन्होंने न्यू डेमोक्रेसी को डाला इन द सोवियत, यस इन द सोवियत ओके क्लासेस, वेयर प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड वर ग्रेजुअली एंडेड। अब इसमें ना न्यू डेमोक्रेसी में क्या किया इन्होंने, नई गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने कोई भी प्राइवेट अपना काम नहीं कर सकता था, गवर्नमेंट ने उनको ले लिया, उनसे विड्रॉ कर लिया वो राइट्स। इंटरप्राइजेस प्राइवेट इंटरप्राइजेस और प्राइवेट ऑनरशिप गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया इसे, लोगों से धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके बाद आता है द प्रोग्राम लॉन्च बाय द कम्युनिस्ट चाइना गवर्नमेंट बे लास्ट एटेड, और ये एक प्रोग्राम चला 1953 तक, ठीक है, डेवलपमेंट का, और वेर इट डिबेटेड वेर इट डिक्लेयर्ड वेर इट डिक्लेयर्ड दैट इट वुड लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसने डिक्लेयर किया कि हम समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, जो समाज जो बहुत बुरी कंडीशन में है, पुअर कंडीशन में है चाइना का, ठीक है, उनको हम अपहेंड करेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए उन्होंने सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एक प्रोग्राम चलाया, ठीक है, चलाया शुरू किया इन 1958 में द गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट। ये मूवमेंट इसको याद रखिए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF मूवमेंट शुरू की, क्यों, टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री रैपिडली। ये क्या थी ग्रेट, इसमें थी पूरी कंट्री में, पूरी चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज को मैक्सिमम तौर से उसको बढ़ाना, उसको बूस्ट करना, चाइना में इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना और लगाना। पीपल वर एनकरेज, लोगों को एनकरेज किया गया टू सेट अप स्टील फर्नेसेस इन द बैकयार्ड ऑफ देयर हाउस, लोगों से कहा गया कि स्टील बनाई जाए हर घर के अंदर, लोग अपने बैकयार्ड में, अपने घर के बैकयार्ड में स्टील को बनाए और उसको बेचें। इस तरह से लोगों को लेबोरियस बनाना था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाना था, काम के प्रति उनको उन्हें काम देना था ताकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ऐसा उन्होंने आदेश किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट, उसके बाद लैंड रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ अर्लियर कंटिन्यू, और 1958 में देर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग 98% ऑफ द फार्म पॉपुलेशन, खेतों में काम करने वाले जो लोग थे, जो वर्किंग क्लास लोग थे, जो लेबर क्लास लोग थे, फार्मर्स थे, करीब ये कह रहे हैं कि 1958 तक 26,000 कम्यून्स वो ज़मीन है जिन पर गरीब लोग, लेबर क्लास लोग है ना, कलेक्टिवली है ना उसको यूज करते थे, करीब 50 कह रहा है कि 98% ये अचीव कर लिया था चाइना ने। कितने हज़ार कम्यून्स वहाँ बन चुके थे, गवर्नमेंट उनको दे चुकी थी। अब आता है कल्चरल रिवोल्यूशन, मतलब सांस्कृतिक सांस्कृतिक क्रांति, सर जो हमारी संस्कृति होती है, हमारी तहजीब होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स। अब इसमें अपने अपने विजन्स, अपने अपने ख्वाब, अपनी कंट्री को देख लेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती है, इसमें हम देखेंगे जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो खुद उनके अंदर डिवीजन हो गया इसी पार्टी के अंदर, तो कुछ लोग थे वो इनसे अलग हो गए, कहने लगे कि हम ये चाहते हैं हमारा ये, जैसे कांग्रेस आपके कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी आई भी है और कांग्रेस पार्टी दूसरी, मतलब इस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विचारधारा को लेकर दो तीन डिवीजन हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो पार्टी थी उसमें भी डिवीजन हो गए, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग विजन है, यहाँ विजन अपने कंट्री को आगे बढ़ाने को लेकर विजन, दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग विजन। इसको हम पढ़ेंगे द सपोर्ट ऑफ माओ, माओ के जो सपोर्टर थे वो क्या चाहते थे, दे वांटेड टू क्रिएट अ सोशलिस्ट मैन। माओ के जो लोग थे, माओ को चाहने वाले सोशलिस्ट मैन, मतलब चाइना का हर व्यक्ति समाजवादी बन जाए, समाज से जुड़ जाए, समाज की हर बात को अपनाए, ये
ये चाहते थे एंड दोज हु ऑब्जेक्टेड और जिन लोगों ने एतराज किया ऑब्जेक्शन किया टू हिज आइडियोलॉजी माओ की आइडियोलॉजी को रादर देन एक्सपर्टाइज लेट माओ को तो उनको दबाने के कैसे लोग जो माओ की पार्टी के लोग जो माओ से माओ की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे उनको माओ ने उनको माओ ने कन्फ्रंट करने के लिए उनका सामना करने के लिए तो माओ ने क्या किया लेट माओ को लॉन्च तो इसके लिए माओ ने एक लॉन्च शुरुआत करी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन इस क्रांति की इसे कहते हैं प्रोलेटेरियन वर्किंग क्लास मतलब गरीबों की प्रति क्रांति शुरू की इन 1965 वो काउंटर हिज क्रिटिक्स अपने आलोचकों का सामना करने के लिए किसने माओ ने इसके लिए माओ ने क्या किया द रेड गार्ड्स रेड गार्ड नाम से इसने मेनली खास तौर से रेड गार्ड स्टूडेंट्स के बनाए इन्होंने और आर्मी को बनाया रेड गार्ड्स बनाए कस्ते बनाए और यूथ का इस्तेमाल किया गया फॉर ए कैंपेन एक कैंपेन माओ ने इनके जरिए चलाया अगेंस्ट द कल्चर ओल्ड पुराने कल्चर पुराना कल्चर चाइना में अब तक चला आ रहा था ओल्ड कस्टम्स पुराने रीति रिवाज पुरानी आदतें इनको हटाया जाए और न्यू आइडियाज को लाया जाए है ना इसके लिए माओ ने माओ नाम के जो माओ जो उनके प्रेसिडेंट हैं जो करीब 80 साल तक जिन्होंने रूल किया वो ये लेकर आए कि पुरानी चीज़ों को हटाया जाए नई चीज़ लाई जाए द इकोनॉमिस्ट द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वॉज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोफेशनल नॉलेज ठीक है द कल्चरल रिवोल्यूशन जो कल्चरल रिवोल्यूशन थी सेट इन शुरू हुई पीरियड ऑफ टर्माइल जब चाइना के अंदर टर्माइल की स्थिति बनी हुई थी वीकन इस कल्चरल रिवोल्यूशन ने वीकन द कम्युनिस्ट पार्टी को थोड़ा वीक कर दिया एंड सीवियरली शेडर्ड और बहुत बुरी तरह से शेडर्ड हो गई द इकोनॉमी वहाँ की इकोनॉमी इस क्रांति के दौरान एंड द एजुकेशनल सिस्टम इकोनॉमी और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक डिटोरिएट हो गया बट फ्रॉम द 1960s लेकिन 1960 के दशक के बाद से 60s के बाद से द टाइड बिगेन टू टर्न है ना अब जो कम्युनिस्ट लोग थे ये पहले से इनमें पहले से इम्प्रूवमेंट आया रिफॉर्म आया पहले से ये आगे बढ़ गए अब तक तो इनकी हालत खराब हुई थी लेकिन एक स्ट्रगल के बाद एक संघर्ष के बाद इन्होंने अपना सर उठाया इन 1973 द पार्टी बिगेन टू ले एम्फेसिस इस पार्टी ने बल देना शुरू किया ओन ग्रेटर सोशल डिसिप्लिन समाज में किस तरह से सामाजिक अनुशासन के प्रति इन्होंने बल देना शुरू किया समाज के अंदर एंड द नीड टू बिल्ड एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी चाइना कुड बिकम एन इंडस्ट्रियल पावर बिफोर द एंड ऑफ 20th century और इन सब ने मिलकर इस पार्टी ने मिलकर और इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने मिलकर 20th century तक चाइना को एक बेटर और बेस्ट इंडस्ट्रियल पावर के रूप में प्रूव किया जाए साबित किया जाए ये सब ने मिलकर कोशिश की द गवर्नमेंट ऑल्सो ब्रॉड सोशल चेंजेस सरकार सामाजिक बदलाव भी लेकर आई है ना इस पीरियड में द गवर्नमेंट गिव इक्वल सरकार ने समान अवसर दिए टू ऑल द 60 नेशनलिटीज इन द कंट्री के अंदर है ना करीब 60 नेशनलिस्ट राष्ट्रवादियों को टू डेवलप देयर कल्चर ताकि वो अपने अपने कल्चरों को डेवलप करें मतलब अपने अकॉर्डिंग रहने की छूट दे दी गई अपनी लैंग्वेज बोलना अपने कल्चर को फॉलो करना कस्टम्स को फॉलो करना उसके लिए इनको 60 नेशनलिस्ट को मौका दिया गया एजुकेशन वॉज नेशनलाइज इन चाइना एजुकेशन जो थी जो बीच में खराब हो चुकी थी बिगड़ चुकी थी चाइना में उसको पूरे राष्ट्र उसका नेशनलाइज किया गया पूरे राष्ट्र में उसको फैला दिया गया एक ही रेस्ट्रिक्शंस पर प्लेस पाबंदियाँ लगाई गई ऑन द मिशनरीज जो मिशनरीज थी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन पर पाबंदियाँ लगाई गई चाइना में है ना इंटरफेयर इन द एजुकेशनल
सिस्टम ऑफ द कंट्री, चाइना में, चाइना में जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर किसी भी तरह की मिशनरीज को एंट्री देना या उनकी बुक्स या टेक्स्ट बुक चलाना इस पर पाबंदी लगा दी है। द स्टेट टुक मेजर्स, चाइना ने कुछ और कदम उठाए ऑन द फॉर द प्रॉपर फॉर द प्रोपेगेंडा ऑफ द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट जानते हैं कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा, उसको भी उन्होंने फैलाना शुरू किया। एंड इम्पार्टिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और टेक्निकल एजुकेशन स्कूलों में टीच करना पढ़ाना, इस बात को भी इस गवर्नमेंट ने, नई गवर्नमेंट ने शुरू की। इसे कहते हैं ना न्यू डेमोक्रेसी, ये न्यू डेमोक्रेसी की सारी चीज़ें। बट माओ कल्चरल रिवोल्यूशन गिव ए सेटबैक, जिनकी जो कल्चरल रिवोल्यूशन की लॉ थी इस गिव ए सेटबैक, यानी इसने एक सेटबैक दिया टू एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। द स्टडी ऑफ माओ, द स्टडी ऑफ माओ रेड बुक वॉज मेड कंपल्सरी। क्या हुआ, माओ की लिखी हुई रेड बुक, इसका अध्ययन, इसकी स्टडी स्कूलों में कंपलसरी कर दी गई। ये स्कूलों में माओ की लिखी बुक रेड बुक जो है उसको हर स्कूल में पढ़ाया गया, उनके आइडियोलॉजी को पढ़ाया गया इंस्टीट्यूशन में। द बुक कंटेन द प्रिंसिपल्स ऑफ माओइज्म, माओइज्म मतलब माओ ने जो माओ के सिद्धांतों को फॉलो कर दिया, यानी उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने रखा, स्कूलों में डाले हैं। एंड दोज टीचर्स, और वो टीचर्स हु डिड नॉट टीच वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, जिन्होंने उसकी विचारधारा को स्कूलों में पढ़ाने से मना किया उन टीचर्स को डिसमिस कर दिया गया, नौकरियों से हटा दिया। इस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी हम देखते हैं। आप नहीं पढ़ेंगे कल से, आप लोग स्कूल आएंगे कल, लोग आएंगे कल से क्लास नहीं होगी। थैंक यू भाई, नाइस डे ऑल ऑफ यू।